मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि तासर सिर्फ ये दे दिया गया है कि इस काम को सिर्फ मुसलमान ही कर रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स का ताल्लुक हिंदू मजहब से है। चलें हम आपको भारत के सबसे बड़े और मॉडर्न मिसबा खाने के मालिकों के बारे में बताते हैं जो गैर मुस्लिम है, अल कबीर प्राइवेट लिमिटेड। अरे नाम से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये भारत की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टर कंपनी है। इंडिया का सबसे बड़ा मसबा खाना तेलंगाना जिले में वाक्य है। तकरीबन 400 एकड़ में ये मसबा खाना फैला है। इस मसबा खाने के मालिक का नाम सतीश सबरीवाल है, जो हिंदू है। अल कबीर के कई ममालिक में ऑफिसेज हैं और गुज़िश्ता बरस बीफ एक्सपोर्ट से 650 करोड़ का बिजनेस हासिल किया। अरेबियन एक्सपोर्टर प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के मालिक का नाम सुनील कपूर है। इसका सेंटर मुंबई में वाक्य है। इसी तरह एमकेआर फ्रोजन फूड एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो इस कंपनी का मालिक भी हिंदू है, जिसका नाम मदन भट है, जिस कंपनी का सेंटर दिल्ली में वाक्य है। अलनूर एक्सपोर्टर्स, इसके मालिक का नाम स्नेल सूद है। इस कंपनी का मसबा खाना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के शेर गाँव में वाक्य है। ये कंपनी 35 ममालिक में गाय का गोश्त एक्सपोर्ट करती है। जी हाँ, ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ योगी की हुकूमत है। इंतहा पसंद योगी जो महज मुसलमानों को शक की बुनियाद पर न सिर्फ कत्ल करवा देता है बल्कि अपनी आवाम को मुसलमानों के खिलाफ भड़काता भी है। AOV एक्सपोर्टर प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का भी मसबा खाना उत्तर प्रदेश के ही गांव में वाकया है और इसके मालिक का नाम OP अरोड़ा है। योगी के उत्तर प्रदेश के एक और मसबा खाने का हाल बताएं तो स्टैंडर्ड फ्रोजन फूड एक्सपोर्टर प्राइवेट लिमिटेड, इसके मालिक का नाम गमल वर्मा है और उत्तर प्रदेश में बड़े ही धड़ल्ले से गाय को जिबा करता है और योगी गांव माता को जिबा होते देखता रहता है। चलिए देखते हैं कि इंटरनेशनल बीफ एक्सपोर्ट में भारत कहां खड़ा है। पूरी दुनिया में गाय के गोश्त का टोटल एक्सपोर्ट 94,49,000 मैट्रिक टन होता है। ब्राजील से 18,50,000 मैट्रिक और भारत से भी 18,50,000 मैट्रिक टन गाय का गोश्त एक्सपोर्ट होता है। ऑस्ट्रेलिया से 1,38,500 मैट्रिक टन और अमेरिका से 11,20,000 मैट्रिक टन गाय का गोश्त एक्सपोर्ट होता है। यानी नाम मुसलमानों का बदनाम हो रहा है, गौ माता के नाम पर जान से मुसलमानों को मारा जा रहा है और पैसे ये हिंदू नीच बुनिये कमा रहे हैं। सवाल ये है कि शक की बुनियाद पर मुसलमानों की जान लेने वाले हिंदुओं को इल्म नहीं कि खुद भारत में उनकी गौ माता को इनके हिंदू मजहब के लोग ही ज़िबह करके दुनिया भर में उसका गोश्त फराहम करते हैं। जी हाँ, यह है भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने। गौ माता की रट लगाने वाले खुद हिंदू ही अपनी गौ माता का क्या, मुझे हिंदी आती नहीं वरना मैं हिंदी में बताता, उसे जिबा करते हैं, उसको गोश्त बनाते हैं और पूरी दुनिया में बेचते हैं। अब मजहब और दीन अलग अलग चीज़ें हैं, कारोबार अलग अलग चीज़ें हैं, इन्होंने साबित कर दिया है। बहरहाल आज जिसने भी रिपोर्ट देखी है उसे ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया को बताया कि ये गौ माता के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को कत्ल करना, शहीद करना इनका मकसद है, वरना गौ माता से